हेलो फ्रेंड्स, एक बार से फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड स्पार्क मोटिवेशन पर। फ्रेंड्स, कल एक वीडियो आपके सामने बाल विकास से संबंधित और उसकी अवधारणाएं और अधिगम से संबंधित एक वीडियो आपके सामने लाया था। आप लोगों ने काफ़ी सराहा है उस वीडियो को। उसी को आगे बढ़ाते हुए TET के जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए साइकोलॉजी की कुछ वीडियोज़ आपके सामने आएंगी, 10 या 12 वीडियोज जो आपको इस परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेंगी। आज है बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, कल हमने बालक के विकास और वृद्धि के बारे में पढ़ा था कि कैसे उसकी वृद्धि और विकास में डिफरेंस होता है। वृद्धि एक निश्चित सीमा के बाद रुक जाती है, जबकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रणाली है, वो निरंतर बढ़ता रहता है। और उसकी हर काल को अलग अलग भागों में बांटा था, जैसे शैशवाकाल, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, इन अवस्थाओं में उसको बांटा गया था। गर्भ से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य का जो विकास का क्रम है वो हमेशा जारी रहता है, लेकिन वृद्धि एक समय पर आकर के रुक जाती है। आज हम इन सिद्धांतों को पढ़ेंगे, क्या क्या इनके अंतर्गत होता है। सामान्यतः हम देखते हैं अपने परिवेश में बालक में अभिवृद्धि और विकास प्रसर अग्रसर होता है। एक निश्चित आय के बाद जो वृद्धि की सीमा होती है वो रुक जाती है, लेकिन जो विकास की प्रक्रिया है उसमें चाहे आपके शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, भाषाई विकास हो, वो बढ़ते रहता है। उस बाल विकास के सिद्धांत को मैं आज पहला जो टॉपिक है वो है निरंतरता का सिद्धांत। यदि हम बात करें बाल विकास के सिद्धांत की, तो बाल विकास जो बाल विकास का सिद्धांत है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक निरंतर चलती रहती, विकास की निश्चित दिशा में होती है। यह सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है। यह विकास अनियमित रूप से या आकस्मिक ढंग से नहीं होता है, बल्कि क्रमबद्ध तरीके से होता है। धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन आते आते विकास की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। यद्यपि विकास की गति व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर निर्भर करती है, लेकिन कुछ ऐसे भी सर्वमान्य सिद्धांत हैं जहाँ पर विकास के हर क्षेत्र पर लागू होते हैं। उनमें से कुछ सिद्धांत आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कंटिन्यूटी का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार हम बात करें, विकास ही न रुकने वाली प्रक्रिया यानी लगातार चलती है, निरंतरता। जैसे अविरल रूप से आप देखेंगे नदी बहती रहती है, जो सदा नीरे नदियाँ हैं, उसी तरीके से विकास की भी गति एक निरंतर रूप से बढ़ती है। एक छोटे से नगण्य आकार से लेकर के अपने जीवन प्रारंभ से लेकर के व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर पहलू पर हम बात करें तो निरंतरता के साथ उसमें परिवर्तन आता रहता है। जैसे हम बच्चे के बाल्यावस्था में देखें तो उसके जो संवेगों में है, युवा अवस्था आने तक बहुत परिवर्तन आ जाता है। चाहे उसका शरीर के रूप में शारीरिक विकास हो, चाहे उसकी सोचने की क्षमता हो, या उसका सामाजिक रूप से, सामाजिक दृष्टिकोण से देखें उसका व्यवहारों में परिवर्तन आता है, तो ये निरंतरता के साथ वो बदलता रहता है। तो ये सिद्धांत कहता है कि बाल विकास हमेशा एक निरंतरता के सिद्धांत को फॉलो करता है। तो जो हमारा पहला टॉपिक था निरंतरता का सिद्धांत। अगला है व्यक्तिकता का अंतर का सिद्धांत। अब देखिए, यहाँ पर जो इंडिविजुअल हम डिफरेंस की बात करें, वो प्रत्येक बालक में अलग अलग तरीके से विकास होता है। उसकी जो विकास की गति होती है एक बच्चे और दूसरे बच्चे में काफ़ी रूपों में अंतर देखा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के जो विकास है उसकी वृद्धि अपनी व्यक्तिकता के अनुरूप होती है। वे अपने स्वाभाविक गति से वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं, और इसी कारण से उनमें पर्याप्त विभिन्नता देखने को मिलती है। एक ही वर्ष में पैदा हुए यदि आप बच्चे देखेंगे तो दोनों में परिवर्तन, काफ़ी क्षेत्र में उनमें परिवर्तन मिलता है, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, दोनों में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि
उनमें पर्याप्त विभिन्नताएं दिखने को मिलती हैं, व्यक्ति का अंतर मिलता है। तो दूसरा सिद्धांत है इसका व्यक्तिकता अंतर का सिद्धांत। इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो समरूप रूप से किसी भी बालक में एक साथ विकास नहीं हो पाता है। विकास के सिद्धांत के कारण कोई बालक बहुत मेधावी हो जाता है, कोई बालक सामान्य होता है, कोई बालक बहुत पिछड़ा या मंद होता है। तो यानी इंडिविजुअल डिफरेंस आता है, तो विकास के इस क्रम में व्यक्ति अंतर आता है। तीसरा है विकास क्रम की एकरूपता। अगर हम इस सिद्धांत की बात करें, विकास की जो गति होगी एक जैसी न होने पर भी, पर्याप्त व्यक्ति का अंतर पाए जाने पर भी, विकास के क्रम में कुछ एकरूपताएं आती हैं। जैसे जो विकास है बालक का, वो हमेशा बालकों की जो वृद्धि है सिर की ओर से प्रारंभ होती है, तो सभी में होगा एक साथ, प्रत्येक में यही क्रम सब में होगा, विकास का जो क्रम का एकरूपता है। या जो परिवर्तन उसके शारीरिक रूप में जो परिवर्तन आने हों, इसके व्यवहार में परिवर्तन आना है, एक निश्चित कार्यक्रम के काल के अंतर्गत वो परिवर्तन आते हैं। या विकास हम ये कह सकते हैं वृद्धि कुछ स्तर तक आने के बाद ठहर जाती है, क्योंकि वृद्धि भी एक विकास का ही अंग है। तो एक रूपता इस रूप में हम कह सकते हैं। इस प्रकार के बालक की गद्यात्मक या भाषाई विकास में भी एक निश्चित प्रतिमान पर आकर के दर्शन दिए जा सकते हैं, यानी परिवर्तन आ सकते हैं। या वृद्धि या विकास की गति की दर एक सी अगर हम देखें, कहीं कहीं पर विकास की प्रक्रिया जीवन में चलती तो है, किंतु विकास की प्रक्रिया में हमेशा गति एक जैसी नहीं होती। शैशवकाल के शुरुआती वर्षों में हम देखें तो ये तीव्र गति से होती है, परंतु बाद में धीरे 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 मंद पड़ जाती है। पुनः किशोरावस्था आते ही प्रारंभ में गति तेज़ी से वृद्धि होती है, परंतु ये भी अधिक समय तक नहीं रहती है, कुछ समय के बाद उसमें भी उतार चढ़ाव आने को मिलता है। और विकास जो है हमेशा क्या होता है, सामान्य से विशेष की ओर चलता है। हम इनमें अगर देखें तो सामान्य से विशेष की ओर परिवर्तन आता है। अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। जो परस्पर संबंध का सिद्धांत है, यदि हम इसकी बात करें, विकास के जो सभी आयाम हैं, जैसे शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है या संवेगात्मक विकास है, वो एक दूसरे के परस्पर संबंधित होते हैं। शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास भी होगा। मानसिक विकास और शारीरिक विकास समरूप से तरीके से अच्छे चल रहे हैं, तो बच्चा मानसिक रूप से सही है और शारीरिक रूप से फिट है, तो अपने ही उम्र वालों के साथ एक समाज का निर्माण करता है। उस समाज में जाकर के उसके संवेगों में परिवर्तन आता है। परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि हम शारीरिक विकास करें तो शारीरिक विकास, शरीर अच्छा होगा तो उसका मन भी अच्छा होगा, मानसिक संतुलन भी ठीक होगा। वो अपने उम्र के हम उम्र बच्चों के साथ समाज में एक साथ जाकर खेलना, उनके साथ पढ़ाई करना और उनके साथ संवेगात्मक रूप से घनिष्ठता होना, मिलना, ये सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला जो परिवर्तन होगा वो अन्य को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ये देखिए, आप देखेंगे शारीरिक रूप से जो कमज़ोर बच्चा होता है वो अन्य बच्चों से हर रूप में पिछड़ जाता है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, तो उसकी जो विचारधाराएं हैं या उसके जो समाज है वो पूर्ण रूप से दूसरे अन्य से परिवर्तित रहता है। उदाहरण के लिए, जिन बच्चों की औसत वृद्धि होती है वो शारीरिक और औसत सामाजिक विकास की दृष्टि से काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर क्षेत्र में पाए जाने वाली न्यूनता और दूसरे क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रगति बाधक सिद्ध होती है। यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी पीछे रह जाते हैं। अगला सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एकीकरण सिद्धांत का पालन भी करती है। इसके अनुसार बालक पहले से संपूर्ण अंगों को और फिर अंग के भागों को चलाना सिखाता है। अब देखते होंगे, जैसे बालक छोटा होता है, शुरू में वो रेंगना प्रारंभ करता है, या शुरू में हिलना प्रारंभ करता है, करवटें लेना प्रारंभ करता है पूरे शरीर को, धीरे 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 अंगों के हर अंगों को अलग अलग चलाना भी सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं या चेष्टाओं को हम माने तो इकट्ठे रूप में प्रयोग लाना सीखता है। उदाहरण के लिए, बालक दूसरे पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ की अंगुलियों के साथ साथ
एक साथ दोनों को चलाना भी सीखता है। तो ये कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकास की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। किसी बालक में वृद्धि और विकास की गति एक रूपता से सही चल रही है तो हम कह सकते हैं कि बालक आगे को काफ़ी प्रगति की ओर बढ़ सकता है। और विकास की एक दिशा का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि ये माना जाता है विकास की प्रक्रिया में दिशा व्यक्ति एक वंशानुगत और या वातावरण जन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। इसके अनुसार बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं पर गति पर नियंत्रण करता है। जैसे हम किसी बालक को देखते हैं तो हमने सबसे पहले अपने सर को कंट्रोल करना सीखता है, इसके बाद भुजाओं को, धीरे धीरे अपने टांगों को, इसके बाद वो धीरे धीरे चलना खड़ा होना ये सीखता है। तो यानी एक निश्चित क्रम में एक निश्चित दिशा में विकास का सिद्धांत होता है, विकास होता है, यानी विकास का सिद्धांत हम उसको कह सकते हैं। तो ये तो थी बाल विकास से संबंधित। निरंतरता का सिद्धांत हमने पढ़ा, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत पढ़ा, विकास के क्रम में एकरूपता का सिद्धांत, परस्पर एक दूसरे संबंध यानी परस्पर संबंध का सिद्धांत, और साथ में एकीकरण का सिद्धांत। तो इन्हीं के बीच में, इन सिद्धांतों के बीच से ही एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों तो आसानी से आप इनको बना सकते हैं। अब बाल विकास से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत, यानी जैसे पहला है पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया था डुलार्ड और मिलर, इन दोनों ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार बच्चे का जैसे जैसे विकास होता है वो ऐसे ही अधिगम भी करता है। इन्होंने बाल्यावस्था के अनुभवों को वयस्क व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में स्वीकार किया था पुनर्बलन के सिद्धांत में। उन्होंने अचेतन कारकों जैसे अतिरिक्त चिंता या अधिगमित भय को हम जैसे माने व्यक्तित्व गतिशीलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिया था। उसमें भोजन, पानी, ऑक्सीजन, ताप आदि जो आवश्यकीय रूप से अर्जित होती है, इन पर उन्होंने अर्जित व्यवहार को पर्याप्त नहीं होता है, अतः बालक एक जटिल व्यवहार के अधिगम को सीखना प्रारंभ करता है। जैसे हम नवजात शिशु की बात करें, वो स्तनपान से संबंधित अर्जित व्यवहार को अपने भोजन की आवश्यकताओं के लिए अधिक समय तक पर्याप्त नहीं होता है, उसे भूख की जो आवश्यकता होती है उसको पूर्ण करने के लिए अधिक समय तक स्तनपान के जो जटिल व्यवहारों को उसको सीखना होता है। धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आता है जो स्तनपान छोड़ देता है और भोजन को ग्रहण करना प्रारंभ कर लेता है। ये तो थी इसकी पुनर्बलन की महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसमें अभिप्रेरणा, फिर उसके बाद उद्दीपक, उसको संकेत मिलता है, फिर प्रत्युत्तर यानी स्वयं का व्यवहार करता है, और लास्ट में उसको वो इच्छित फल मिलता है जिसके लिए वो प्रयास करता है, यानी पुनर्बलन उसको या पुरस्कार उसको प्राप्त होता है। ये एक क्रम के अनुसार होता है। चार अवयव इसमें जो बताए गए थे, एक तो पहले बताए गए थे अभिप्रेरणा, दूसरा संकेत यानी उद्दीपक, अंदर से जैसे भूख लगी उसको प्रेरणा होगी, फिर उसको कोई ना कोई संकेत मिलेगा भोजन कहाँ हो सकता है, फिर उसके बाद वो स्वयं का व्यवहार करेगा, वहाँ चलने का प्रयास करेगा। जैसे भूख लगी और उसको पता है भोजन किचन में मिलेगा, वहाँ संकेत है किचन की ओर, फिर वो स्वयं वहाँ जाने का प्रयास करेगा, और यदि अंत में उसको मिल जाता है तो उसका रिजल्ट उसको मिलता है तो उसको पुनर्बलित हो जाता है। ये पुनर्बलन का सिद्धांत डोनाल्ड और मिलर ने दिया था। सामाजिक अधिगम की हम बात करें, दूसरा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये बंदूरा और वाल्टर्स ने इस समाज के सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था। सामाजिक अधिगम के महत्वपूर्ण पृष्ठ के लिए उन्होंने अनेक प्रयोग अध्ययनों के आधार पर की थी। बंदूरा ने एक प्रयोग में तो बच्चों को एक फिल्म दिखाई जिसमें एक वयस्क व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित किया गया था। फिल्म के तीन भाग थे, प्रत्येक बच्चे को केवल एक प्रकार की फिल्म दिखाई गई। पहली फिल्म में का जो फिल्म का व्यवहार था आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित किया गया था, इस व्यवहार से उसे दंड दिया जाता था। दूसरी फिल्म में हीरो आक्रामक व्यवहार करता था लेकिन उसे इस आक्रामक व्यवहार के लिए पुरस्कार होता था। तीसरा फिल्म था कि आक्रामक व्यवहार के लिए हीरो को न तो पुरस्कार दिया जाता था न ही दंड दिया जाता था। तो फिल्म में जो प्रत्येक बच्चे को दिखाने के बाद प्रत्येक बच्चे की परिस्थितियों में रखा गया, जिन परिस्थितियों में संबंधित उस फिल्म दिखाई गई थी उन्हीं परिस्थितियों के अनुसार बच्चे रह करके व्यवहार निरीक्षण करके देखा गया तो बच्चों में उस व्यवहार का अनुकरण अपेक्षाकृत कम किया जो कि हीरो के आक्रामक व्यवहार के दंड से संबंधित था। तो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में
व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में केवल वातावरण संबंधी जो कारक हैं उनको ही महत्व दिया गया, यानी वंशानुक्रम कारकों का कोई महत्व इसमें नहीं है। यानी समाज के रूप में जहाँ बच्चे सीखते हैं वही उनका महत्वपूर्ण रूप से स्थायी रहता है, यानी वंशानुक्रम का इसमें स्वीकार नहीं किया गया था बंदूरा और वाल्टर्स ने। उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति का जो भविष्य का निर्माण होता है वो सामाजिक अधिगम के द्वारा होता है, इनका मानना था बंदूरा और वाल्टर्स का। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक के अंदर हमने बात की, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अन्य पहलुओं पर बात करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने बहुमूल्य कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू।